तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो नंबर 2 में, इस गेम प्ले गैंगस्टर वेगस के में। आप लोगों को पता ही होगा पिछले पार्ट में क्या हुआ था। अब हम अपने दोस्त की बाइक चुरा कर ले आए थे और उससे मिलने गए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ पर जाने पर हमें किसी ने धक्का दे दिया और हम इस समुंदर में गिर गए। अब पता नहीं यार वो बाइक वहाँ होगी या नहीं होगी, और हमें पता करना है हमें किसने धक्का दे दिया और हमारा दोस्त क्यों नहीं आया। हो सकता है यार वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो। चलो चल के देखते हैं। पहले तो भाई सीधा ऊपर चलते हैं, अपनी बाइक देखते हैं जहाँ पर हमने उसे खड़ा किया था वहाँ पर है कि नहीं है, फिर और पता लगाएंगे। हमने अपनी बाइक को यहाँ पर एकदम सीधे आगे ही खड़ा किया था, और यार वो नज़र तो नहीं आ रही। अरे नहीं यार, यहाँ पर तो बाइक भी नहीं है अपनी, पता नहीं कौन ले गया। तो भाई बाइक तो नहीं है, लेकिन ऊपर चल के देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है क्या, कोई मैसेज। और भाई यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कोई मैसेज छोड़ा हो, तो उस मैसेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दिन नीला नीला क्या चमक रहा भाई, ये देखो, हो सकता है ये कोई मैसेज हो। हाँ भाई ये मैसेज, ये मैसेज, ये हमें मैसेज मिल चुका है, लेकिन अब हमें इसे डिकोड करना है। तो भाई हम उस बंदे के पास आ गए हैं जो हमें मैसेज डिकोड करके देगा और एलियन के बारे में बताएगा। ये ऐसे छुपके बैठा है, पक्का इसने वो स्पेसशिप देखी थी। अब इसे जानकारी लेते हैं और इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस एलियन के दोस्त हैं। ये भाई अभी तो अपनी ही गाये जा रहा है, गाये जा रहा है, हमारी सुन ही नहीं रहा है। इसे अपनी गाली नहीं दो पहले। You promise we'll only talk. I hate violence. I promise. Only talk. अब गाइज उस बंदे ने जिसका नाम ईमेन है, हमें उसने मैसेज तो बता दिया था क्या था। उस मैसेज में लिखा था कि वह अपना दोस्त एलियन है ना, वो बहुत बड़ी मुसीबत तो में, उसे बचाना है, लेकिन वो कहाँ है ये अभी पता नहीं चला है। ये भी हमें वही बंदा बताएगा, लेकिन उसने पहले एक शर्त रखी है कि उसके जो दुश्मन है ना इस सिटी में, हमें उन्हें ख़त्म करना होगा, तभी ये हमें बताएगा। और हम एलियन को बचाने जा रहे हैं तो हमें सुपर गन की ज़रूरी पड़ेगी, तो भाई उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो हम पहले ऐसे करेंगे, कोई कार चोरी करके उसे यहाँ पर सिटी में एक बहुत बड़ा गैराज है उसमें जाके बेच देंगे और उसे पैसे दे देंगे, उसे सुपर गन देंगे। भाई गैराज तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें अब कोई सुपर कार ढूंढनी पड़ेगी बेचने के लिए, क्योंकि सुपर कार के बहुत पैसे मिलते हैं ना भाई। अब चलो तो कोई कार ढूंढते हैं।
यहाँ से गाइज लेफ्ट में थोड़ी दूर पर एक शोरूम है, उसमें पक्का ना पक्का कोई सुपर कार पक्का मिल जाएगी। चलो उससे ही चुराते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर लेफ्ट में कोई कार खड़ी है, ये देखने में तो सुपर कार जैसी लग रही है। पहले इसको देख लेते हैं फिर चलेंगे। और भाई ये सुपर कार ही है, अब हमें मॉल जाने की कोई जरूरत शोरूम सॉरी शोरूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इधर ही सुपर कार मिल गई है तो हम क्यों जाएंगे, हम इसी लेके इसी पेड़ डालते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब भाई हमने कार तो बेच दी है और हमारे पास पैसे भी खूब हो गए हैं, अब हमें ज़रूरत है तो उस अपने दोस्त की जो गन बेचता है, तो चलो उसके घर चलते हैं सीधा और उससे गन खरीदते हैं पहले। और भाई मज़े की बात तो यह है कि उस अपने दोस्त जो गन बेचता है उसका घर यहाँ से दूर नहीं है, यहीं पर है नज़दीक में, उसके पास सीधा चलते हैं। और भाई यही है उसका घर, चलो इस दरवाजे को नॉक करते हैं, मेरा मतलब लात मारते हैं यार, नॉक करने से थोड़ी खोने वाला है वो, मुक्के मारते हैं इसके। खोल दे भाई, और ये हमें गन मिल चुकी है, अब हम सीधा जाएंगे अपने ईमेन के पास, वो भी इस सुपर गन को देखकर भाई बहुत खुश हो जाएगा। इसे टेस्ट करने का टाइम नहीं है, नहीं तो इसे पक्का करता है, टेस्ट आजमाते एक दो बंदे पे। और गाइज हम ईमेन के पास पहुंच तो चुके थे, लेकिन ये अपनी राग गाए जा रहा है, पहले कह रहा है मेरे दुश्मनों को मारो, ऐसे तो बोल बोलता है मुझे वायलेंस पसंद ही नहीं है, और अब कह रहा है मेरे दुश्मनों को मारो पहले फिर मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो चलो गाइज पहले इसका बदला लेते हैं। और ये पुलिस वाला कहाँ से ठुक गया यार, वांटेड लेवल आ गया, अब पहले इसे उठाना पड़ेगा। गाइज वांटेड लेवल भी हिट चुका है और हम अभी सही रास्ते पर ही हैं, अभी पहुंचने वाले ही हैं, पहले इसका पता ला लेंगे फिर अपना काम करेंगे।
लो भाई अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात नहीं करेंगे सीधा, अब तो लड़ाई होगी क्योंकि हमें ऐसी बहुत जल्दी पड़ी हुई है, अपना दोस्त खतरे में है। You think you can take out all guys if you wouldn't try to stop me? I think there's been a misunderstanding. येलो गाइस और बंदे आ चुके हैं, अब इन्हें भी मारना पड़ेगा। टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। Let's talk about this. नहीं गाइज, फिर से और बंदे आ चुके हैं भाई, कितने आएंगे? देखो इसे भाई, देखो कैसे हाथ ऊपर खड़े खड़ा है। अभी तो इसके सारे बंदे जब नहीं मरे थे तो कैसे झाड़ रहा था अपनी, और अब ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है। चलो कुछ ये बकवास किए जा रहा है। अगर मैं अकेला होता तो इसे अब तक ठोक चुका होता, लेकिन ये साथ में ईमेन है ना, क्या करें गाइस, ठोक नहीं सकते इसे। वैसे ठोकना तो है ही, लेकिन ये थोड़ा इससे बकवास कर रहा है, कॉम्पिटिशन वगैरह ही। अब भाई इसे मार ही देते हैं ना, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और ये भाई यहाँ पर एलियन की बात छेड़ दी, नहीं पता नहीं क्यों छेड़ दी। इसे ख़त्म करते हैं वरना इसे शक हो जाएगा। और चलते हैं भाई, ये मेन का फ़ोन आया, पक्का उसके हाथ कुछ जानकारी लगी होगी और वो हमें मिलने बुला रहा है। तो चलो चलते हैं उसके पास।